छवि। छवि प्रथम सर। प्रथम चैप्टर पढ़ लिया ढंग से। प्रथम प्रथम यस सर। तू सुना दे पहले। प्रथम हाँ पहला क्वेश्चन बता मेरे को स्टेट्स ऑफ मैटर से। मैं सर एक ही आप क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ सर वो मम्मी नहीं थी, आप इसलिए करते हैं 2 मिनट बाद सुन लेना, वो आने वाली है। अच्छा सही 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 है। छवि 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 चलो कृष्णा यस कृष्णा नहीं है साथ में। चलो सर। सुना दे मेरे को जरा। पहला चैप्टर तेरा स्टेट्स ऑफ मैटर ना। हाँ हाँ सर। स्टेट्स ऑफ मैटर को बता मेरे को लेमिनार फ्लो क्या होता है। सर लैमिनार फ्लो मतलब सर इट्स अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ द वेलोसिटी हाँ टुवर्ड द सेंटर, तो वो उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। इन मूविंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर है ना। हाँ सर। सर हाँ बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और बताया इसका। मैंने लास्ट टाइम उससे पूछा था शायद यूवी का से। तेरे को बताना रेट ऑफ डिफ्यूजन के चार फॉर्मूले से चारों के नाम चारों फॉर्मूले बताने। रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो सर रेट ऑफ डिफ्यूजन सर इज इक्वल टू ड्रॉप इन प्रेशर अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर हाँ डॉट एंड प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गैस, और फोर्थ सोचो वाला अगर फोर्थ है मतलब मोल फोर्थ डिस्टेंस वाला सर वॉल्यूम ड्रॉप इन प्रेशर। मोल डिस्टेंस वॉल्यूम ड्रॉप इन प्रेशर चल सही है। एक और बता। डिस्टेंस वाला शायद रह गया था, डिस्टेंस हाँ वाला डिस्टेंस ऑफ शायद गैस वो रह डिफ्यूज गया बाय था। टाइम चल अच्छा हाँ डिस्टेंस वाला रह गया डिस्टेंस है ना डिस्टेंस गैस डिफ्यूज चल सही है। था। अब एक बता मेरे को थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में बता मेरे को तू डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 2 मोल्स ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। फॉर 2 मोल्स ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस, तो सर हाँ -3 RT हो जाएगा आंसर, और 27 डिग्री बिल्कुल तो सही है। 300, तो पच्चीस -900 R, माइनस 900 R। हाँ अच्छा अगर मैं तेरे से वैसे ही पूछ रहा हूँ बता अगर मान ले मैं इसमें टेम्परेचर ना 110 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो क्या 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 चेंजेस आएंगे। अगर मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया तो क्या चेंजेस आएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा कर दिया टेम्परेचर, तो हाँ मतलब किस में चेंज, मतलब वो CP और CV के वैल्यू में चेंज क्या आएगा सर, फॉर्मूले में फॉर्मूले में फॉर्मूले में कैसे जाएगा। थोड़ा फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। सोच सोच सही रहा सर। सर फॉर्मूला मामले में चेंज वैल्यू पुट करेगा तो उसमें क्या चेंज आ सकता है। वैल्यू में, वैल्यू में चेंज आएगा या फिर वैसे फॉर्मूले में कि मेरे उसका को पता फॉर्मूला नहीं डिफरेंट दीदी डिसाइड मान ले करेगा। मैंने 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो क्या यही क्वेश्चन है सेम तो क्या करेगा तू। अगर यही क्वेश्चन है, अगर मैं 110 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर पहुंचाता हूँ हाँ हाँ तो सम डिफरेंस लेंगे सर टेम्परेचर का ना, सर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं लेके सॉल्व कर सकते नहीं हैं कुछ सर। कुछ नहीं कशिश तुम बोलो सेम क्वेश्चन।
कशिश अभी कृष्ण तेरे 10 में से 9 है, कृष्ण यस कृष्ण एक तो मार्क्स नोट कर लेना, अभी कृष्णा के 10 में से 9 और प्रॉपर लिख के भेजना कशिश, ऊपर तुम लिखते नहीं हो मैक्सिमम मार्क्स वगैरह। सर। अच्छा, ओके सर। टेस्ट डेट का, डेट चैप्टर के नाम और मैक्सिमम मार्क्स, और फिर नीचे जो फर्स्ट आया फर्स्ट, सेकंड सेकंड आया सेकंड, थर्ड आया थर्ड। अच्छा अब क्या कहते हैं कशिश, यस सर। सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कृष्णा से पूछा है। मैंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करोगे उस केस में, क्या करोगे? सर डेल्टा एन जी आर टी जो हम निकालते हैं, हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल देंगे तो क्यूपी माइनस क्यूवी उसमें पुट करेंगे, फिर डेल्टा एन जी आर टी में टी की वैल्यू हाँ, दूसरी पुट करेंगे। डेल्टा एन जी कितना होगा बता सकते क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे? डेल्टा एन जी सर वो रिएक्शन तो नॉर्मली चलेगी, उसमें बस आर टी की वैल्यू पुट करेंगे ना, टी की वैल्यू वो नहीं, तो वन। नहीं सॉरी सर, तुम से कोई भी रास्ता क्लास के अंदर, जो भी है क्लास के अंदर क्या चेंज आएगा इसमें? हाँ वेदांत, सर उसमें डेल्टा एन जी प्लस 1.5 हो जाएगा 1 मोल के लिए, क्योंकि H2O भी गैसियस मानेंगे। हाँ ये समझ आई बात कि नहीं अभी कशिश और कृष्णा? यस सर। अभी समझ आ गया क्या बोला उसने? यस सर। क्या बता H2O के लिए मोल ऐड करने थे, H2O को भी जो लिक्विड हो गया गैसेस तो लेंगे, उसको भी हाँ ऐड H2O गैसेस ले लेंगे ना, तो हाँ H2O गैसेस को भी ले लेंगे तो उसके मोल्स को भी काउंट करेंगे फिर। हाँ समझ गया, यही चीज पूछी थी जैसे सही है। नेक्स्ट हाँ वेदांत दर से पूछ लूँ क्या मैं क्वेश्चंस? एक मिनट कशिश रह गई, अभी कशिश रह गई, एक मिनट जाओ कशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। कशिश तुम बताओ मेरे को, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। सर मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं किया, बट मैंने वो कन्वर्जन 60 तक कर ली सर। अच्छा लो कुछ नहीं होता, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं किया कुछ नहीं, रहने दो। एक क्वेश्चन और बताओ उसका, थर्मो का देना, थर्मो का स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। ओके सर। सर स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जिनके जो सिर्फ और सिर्फ उस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और मतलब पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करते। और वर्क डन हमारा स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन यस सर, वर्क डन होता है स्टेट फंक्शन, और एक वर्क डन और वो भी होती है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो ये सही बोला गलत बोला कौन सा आएगा? ये सर स्टेट फंक्शन ही पूछा था ना। हाँ स्टेट फंक्शन पूछा था, वर्क डन स्टेट फंक्शन है। वर्क डन ये तो मैं प्रोफेसर में 10 बार बोलता हूँ, वर्क डन यस स्टेट से एग्जांपल लेकर, वर्क डन कौन सी क्या चीज है? यस सर वो तो पाथ फंक्शन है, पाथ कैसे पढ़ रहे हो कैसे? वो पाथ फंक्शन है ना, तो कन्वर्जन बताओ जरा। हाँ यस कन्वर्जन बताओ मेरे को, कन्वर्जन में बताओ मैसी डबल ऑक्साइड हो गए। मैसी यस सर, क्लोरोफॉर्म एजी हीट सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच रेड हॉट एपिटिव बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं आएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड से एनएच टू लिक्विड अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ सी एच थ्री आई, तो हमारे 1 मोल ऑफ सी एच थ्री आई, तो आ जाएगा हमारे पास प्रोपाइन। प्रोपाइन में हम H2H+Hg2+ डालेंगे तो एसीटोन आएगा, एसीटोन के 2 मोल्स लेंगे, फिर उसमें हम डायल्यूट NaOH हीट और सेकेंड स्टेप कंसेंट्रेटेड H2SO4 एल्डोल कंडेंसेशन, तो बन जाएगा मैसिडाइल ऑक्साइड। एसीटोन में डायरेक्ट हम लगा देंगे ना सीधा एल्डोल में? यस सर एल्डोल लगा। चलो सही है कशिश, लेकिन ढंग से पढ़ा नहीं है, दोनों क्वेश्चन पूछे दोनों गलती कर गए। कशिश 10 में से 6 है। ओके सर। चलो नेक्स्ट अब है वेदांत, रेडी है क्या तू भी? यस सर रेडी हूँ। अच्छा वेदांत तेरा क्वेश्चन है दोनों चैप्टर में, पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में से, ठीक है? पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में से तेरे को स्टेट्स ऑफ मैटर में बताना मेरे को, स्टेट्स ऑफ मैटर में R की डिफरेंट वैल्यूज विद यूनिट्स, R की जो भी मैंने 3 वैल्यू बताई हैं, तीनों की वैल्यू बतानी है विद यूनिट्स, क्या होंगी? इससे रोड थर्मो और उसका भी दीजिए कन्वर्जन का। अच्छा मैं बता दूं तुमको, थर्मो का क्वेश्चन है तेरा, इसमें मैंने तुमको R की वैल्यू बोल दी, थर्मो में बता दूं मेरे को, चल थर्मो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लियो ढंग से, कैलकुलेट मेरे को बस कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करके बता दियो। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइजेस
एट 100 डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. सही है विधान. अब तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्जन. कन्वर्जन बतानी है तेरे को. कन्वर्जन बताया ग्लाइसिन बता दोबारा से. यस सर. तो सर आर के आर हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू पीवी बाय एनटी के बराबर होती है. जैसे हम 1/12 के अप्रोक्सीमेटली लिख रहे थे एटीएम लीटर केल्विन मोल में. इसको अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो 0.0821 आता है और पॉइंट अगर एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में और 8.3 के आसपास आता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में और 1.98 या फिर 2 भी अप्रोक्स मान लेते हैं कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में आता है. और ग्लाइसिन की कन्वर्जन में सर CHCl3 में पहले AgH करके इथाइन बन जाएगा. इथाइन में H2H+Hg2+ डाल के मतलब CH3CHO बन जाएगा. उसमें टोल्यूइन स्टेजन डाल के CH3COOH बन जाएगा. उसमें Cl2 रेड फॉस्फोरस डालेंगे तो ClCH2COOH बन जाएगा. उसमें एल्कोहलिक NH3 डाल के NH2CH2CONH2 बन जाएगा. और उसमें H2H+ डालेंगे तो सर NH2CH2COOH बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा. और सर वो थर्मो वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, एक मिनट. तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बता देगा. प्रथम प्रथम यस सर. पेरेंट्स हैं साथ में सर? बस एक मिनट हो गया, बस आने वाले हैं. हाँ आ गई मम्मी. आ गई, बात करा देगा मम्मी. यस सर मम्मी है. हाँ हेलो. हाँ मैम 2 मिनट साथ में रहना सर. हाँ प्रथम पहले मम्मी. हाँ सही है. हेलो. हाँ मैम 2 मिनट इसके साथ में रहना. हाँ हेलो. साथ यस सर साथ में रहना मैम. बस और कोई बात नहीं है ना. हाँ प्रथम पहला क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है तेरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट. If two or more non-reacting gases are mixed in a are enclosed in a container, then some of the then total pressure is equal to some of the pressure of individual gases respective of the nature. क्या ये law N2+H2 gas के लिए valid है? So नहीं, क्योंकि फिर Haber's process हो जाएगा. हाँ बहुत अच्छे. Non-reacting gases होंगे ना? बिल्कुल सही है. Next question है thermo से. Next question है thermo से. मीथेन का कंबशन होता है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? हाँ अच्छा सही. अगर मैं टेम्परेचर इसमें हाँ अगर मैं टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने टेम्परेचर 100 तब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी एट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस? सेम रहेगी सर. सेम रहेगी. प्रथम एक चीज ध्यान देना, अगर मैं टेम्परेचर 100 से ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन है उसके अंदर वाटर लिक्विड से वेपर्स में आ जाएगा कि नहीं, गैस में आ जाएगा कि नहीं? यस सर. ये ध्यान रखिए न्यूमेरिकल्स में हमेशा. सही है. ओके सर. हां बिल्कुल सही है. अब एक कमरे बता दे जरा. कमरे में भी 35 तक किए 40 तक बोला था हमने. लास्ट की पांच कन्वर्जन के नाम बता दो सर. लास्ट की नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनिक एसिड, फिनाइल एसीटेट, बेंजाइल एसीटेट, मेसिटाइल ऑक्साइड, फिनाइल प्रिपेयर कर दो. मेसिटाइलिन, फिनाइल प्रिपेयर कर दो. फिनाइल प्रिपेयर, इथाइन, क्लोरोफॉर्म से इथाइन एजिहेट, इथाइन से इथाइन में रेड हॉट आयरन टू बेंजीन, बेंजीन में Cl2Fe, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में NaO6 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर, सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा. सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट एसिटेट डाल देंगे तो फिनोल. बिल्कुल सही है. 9.5 कशिश 9.5 है. ओके सर. तेरा वो कि सोच नहीं पाया, वो एक चीज नहीं सोच पाया तू उसमें. यस सर. मेरे वाले का 3100 के आसपास आ रहा है. कितना आ रहा? 3100 जूल के आसपास 180 के अगेंस्ट. बिल्कुल सही है. नेगेटिव पॉजिटिव सर? नेगेटिव एक्सपेंशन. हां सही. कशिश प्रथम के 9.5 है और ये वेदांत के 10 है. कशिश ओके सर. सम्यक
तो मैं मम्मी है साथ में? हाँ सर। एक बार बात करा दे। यस सर, करा दो। यस सर, मम्मी है। आ गए। चलो चल समय, पहला क्वेश्चन है तेरा, ध्यान सुनना बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर से, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर से, एक्वस टेंशन क्या होता है? सो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन ईच अदर, वो फोर्स मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ जो एफ बाय एल आती है। नहीं सर, एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन एक वर्ड में बताना है, एक्वस टेंशन क्या होता है? मान ले अगर किसी गैस का प्रेशर 720 एमएम है और एक्वस टेंशन मान ले 40 एमएम है, तो प्रेशर कितना लेगा? तो 760 एमएम। नहीं, 720, मैंने बोला किसी गैस का प्रेशर 120 एमएम है, 720 एमएम है और एक्वस टेंशन उसी गैस की 40 एमएम है, तो सर वो सॉरी 680 एमएम ले लेंगे फिर। फिर गलती क्यों कर रहा है? एक्वस टेंशन क्या? प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू वाटर वेपर्स। नहीं समझा? हाँ सर, समझ गया। चल नेक्स्ट बताइए हम को, नेक्स्ट जो है टॉपिक थर्मो। थर्मो में बता मेरे को, तेरे को याद है हॉट पैक और कोल्ड पैक मैंने पढ़ाया हुआ पहले? हाँ सर, पढ़ाया था आपने। बता सकता क्या है? नहीं सर, अभी नहीं याद। नहीं याद है, चलो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट बोल दो। सर S equals, सर फॉर्मूला होता है S equals to 2.303 स्टेटमेंट पूछिए, स्टेटमेंट ये तो एप्लीकेशन पर आ रहा है। सर नहीं आ रही अभी याद, नहीं आ रहा। नेक्स्ट बता मेरे को, कन्वर्जेंट की है? हाँ सर, वो 40 तक करी है मैंने डिवाइस। 40 तक की है। नाइट्रोजन सुना दे। सर क्लोरोफॉर्म में एजी हीट करेंगे इथाइन, इथाइन में रेड डॉट आयरन ट्यूब बेंजीन, बेंजीन में कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2O4 नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन। सही है, अब सब में करो, मम्मी से बात करा देगा। हां जी सर, और साथ में मैम ये क्यों नहीं कर रहा काम मैम? बिल्कुल मतलब जैसे होता ना कि बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स में आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर मन नहीं लगता सर इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी। मैम लेकिन इतना अच्छा बच्चा था, मतलब मेरे पास टॉप में था ये, मतलब फर्स्ट रैंकर था ये। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। सर कोई डंडा वंडा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भिजवा देती हूँ। नहीं मैम ऐसा कि उससे मैम काम चलेगा? नहीं मैम ये डंडे वाला नहीं, ये बहुत लेकिन समय क्या दिक्कत आ रही थी? सब पूरे दिन ऊपर नीचे घूमता है और यूट्यूब देखता है बस। मैम मुझसे तो फायदा नहीं होगा, नोट्स पढ़े अब इस समय तो, मैम रिवीजन का टाइम है बिल्कुल अब। और इस समय मैम जानबूझ के मैंने 8-10 दिन को 11th पे करवा रहा हूँ, क्योंकि इनका IIT मेंस का एग्जाम है और उसके बाद फिर 12th, इनका 12th में ही काम करना है मेरे को। इनका जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो नहीं दे रहे टेस्ट, तो अब नहीं करेगा मैम तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समय मेरे से बात करना है एक बार है कि क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? हाँ तू नंबर 1 पे था, तू पीछे कैसे चल रहा है? मैं बात करूंगा एक बार तेरे से आराम से, सही है समय? ओके सर। चलो नेक्स्ट श्रुतिका। yes, ये कशिश समय के तो मार्क्स 10 में से करोड़ जन सुनाई ना सर, 10 में से 3 लगाना। ओके सर। श्रुतिका। यस सर। श्रुतिका है साथ में कोई कि नहीं? सर सिस्टर है। सिस्टर है, चलो कुछ नहीं। तो श्रुतिका तुम बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर से, सही ना? स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन लाना तुम्हें, तो मेरे को बताओ उसमें एवोगाड्रोस लॉ क्या है? एवोगाड्रोस लॉ ये जो हम लोग प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो डायरेक्टली नहीं, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर बोलोगे ना? यस सर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। हां नेक्स्ट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड थर्मो से। यस सर। सेकंड क्वेश्चन थर्मो से बताओ मेरे को,
डेल्टा एस टोटल क्या होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलो श्रुति का, एलसी एन आर नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन, नहीं नहीं ये तो श्रुति का मैंने बहुत बार बताया हुआ है, कौन बताएगा ये आंसर इसका? सर एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, एक मिनट गया, रुक जाओ नेचुरल लॉग बी टू बाई वन, अच्छा तो आप बोलो कशिश, तुम बोलो सर एन सी वी एल एन नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू बाई वी वन, नहीं कशिश ये तो सिस्टम के लिए होता है, ये सिर्फ सिस्टम के लिए, टोटल के लिए जीरो, जीरो आएगा आंसर प्रथम को सही है, ये मैंने कितनी बार बताया क्लास में, डेल्टा टोटल फॉर रिवर्सल प्रोसेस इज जीरो एंड वेदर वेदर इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, कैसा भी प्रोसेस हो उसके लिए डेल्टा टोटल की वैल्यू जीरो होगी, इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन जीरो, सही है? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन बताओ, श्रुति का कन्वर्जन बताओ जरा, कन्वर्जन तो बताओ मेरे को, मेसिटाइल ऑक्साइड बता दो, मेसिटाइल ऑक्साइड CHCl3 Ag हीट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड H2H पॉजिटिव Ag2 पॉजिटिव तो CH3CHO बन जाएगा, फिर इसमें मॉनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे तो मेथेन इथेनोइक एसिड बन जाएगा, फिर इसमें MnO इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन डाल देंगे तो एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर इसमें डायरेक्टली डाइल्यूटेड NaOH डाल देंगे तो मेसिटाइल ऑक्साइड बन जाएगा। चलो सही है, और क्या कहते हैं श्रुति का, अब एग्जाम कब से तुम्हारा? सर स्कूल में, हाँ हाँ श्रुति का, हाँ बोलो, 5th मार्च से है सर प्री बोर्ड्स, अच्छा चलो 5th मार्च से है तो प्रिपरेशन कर रखी है ना उसकी? सर अभी मैं कर रही हूँ साथ साथ ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। चलो सही है, सही है, इनके ये 10 में से 7 करना है इसके, कशिश 10 में से 7 श्रुति का, सिद्धि? यस सर। सिद्धि पहला क्वेश्चन थर्मो से स्टेट्स ऑफ मैटर से, तुम पहले मेरे को बता दो n मोल्स के लिए वैन डेर वाल्स इक्वेशन की, सर p plus an square by v square v minus nb is equals to rt, कंफर्म? सर p plus an square by v square v minus nb is equals to nrt, तो rt क्यों बोला पहले? सिद्धि अभी ये गलती थोड़ी होनी चाहिए, समय समझ गए कि नहीं? यस सर। दूसरा क्वेश्चन बताओ इसी के अंदर, बी की वैल्यू क्या होती है जल्दी से, वैल्यू ऑफ बी? सर बी की वी बाय 3, नहीं 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 कौन बताएगा वैल्यू ऑफ बी? 4 बाय वी एन नॉट। सिद्धि नहीं पढ़ रहे ढंग से बिल्कुल, एक एक चीज एक एक, ये तो सारा कॉपी का पूछ रहा हूँ मैं पूरा, सिद्धि? यस सर। सारा कॉपी का है ना, फिर ऐसे पढ़ाई करके नहीं होगा सिद्धि कुछ भी, ध्यान रखना चीज का। थर्मो का बताओ जरा, थर्मो का बताओ मेरे को तुम, थर्मो का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? 2.303 RT ln V2 by V1, हाँ सही है गलत है प्रथम? सर सुना नहीं मैंने, और किसी ने सुना है क्या? सर गलत है। हाँ युविका, सर -2.303 NRT ln V2 by V1, माइनस टू, अब मेरी बात सुनो तुम, एलएन अगर बोल रहे हो तो माइनस थ्री आ गया सर, एलएन नहीं आएगा ना फिर? यस सर एलएन नहीं आएगा, लॉग आ जाएगा ना युविका, लॉग? यस सर लॉग आ जाएगा। देखो तुम लोग फॉर्मूले गलत बोल रहे हो सब, फॉर्मूले तुम 10-10 बार याद कर लो, कुछ भी कर लो फॉर्मूले गलत बोल रहे हो तो फिर फायदा नहीं होगा। सिद्धि तुम्हें गलती समझ आ गई क्या? यस सर। सिद्धि तुम फॉर्मूले गलत बोल रहे हो अभी, बताओ इस समय, और दूसरी बार टेस्ट चल रहा है, इसमें तुम्हारा तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना, है सिद्धि? यस सर। अच्छा कन्वर्जेंस कितनी बढ़ी है?
सर 100 100 पैरा नाइट्रो एनिलीन सुना दो पैरा नाइट्रो एनिलीन सर पहले क्लोरोफॉर्म में एजीट करके इथाइन बनाएंगे इथाइन में रेड हॉट आयरन ट्यूब करके बेंजीन बनाएंगे बेंजीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड फ्यूमिंग HNO3 डालकर ऑर्थो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे NO2 आ जाएगा फिर NH4 होल्ड ट्वाइस N के साथ ज़िनन रिडक्शन करके वो बन जाएगा वो तो मेटा नाइट्रो एनिलीन बनेगा सर एक बार आप रिपीट कर दो पैरा नाइट्रो एनिलीन सिद्धि मम्मी है साथ में नहीं सर अभी तो नहीं है सिद्धि मम्मी जरूर रहनी चाहिए आपको साथ में बिल्कुल मतलब एक भी दिन मेरी बात भी कराना जरूर एक बार ठीक है सर है ना सिद्धि यस सर हाँ एक बार बात कराना जरूर क्योंकि तुम सब कुछ तुम्हें आता है तुम सिर्फ घबरा रहे हो क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सारा थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर रहे हो सब कुछ समझ आ रही बात सिद्धि यस सर हल्का हल्का चेंज आ रहा है हर जगह युविका यस अच्छा ये क्या नाम है कशिश 10 में से 6 लगाना सिद्धि के ओके सर सिद्धि बात कराना एक बार आज जरूर यस सर ओके सर हाँ युविका मम्मी है साथ में यस सर है अच्छा सही है युविका पहला क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर से युविका तुम मेरे को बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT हाँ k क्या होता है सर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू r अपॉन n होम मतलब मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n हां वैल्यू क्या होती है यूनिट्स क्या होती है सर ये वैल्यू हो जाएगी 1.38 × 10⁻²⁷ जूल पर केल्विन पर मोल थोड़ा कंफर्म नहीं सर यूनिट में सर थोड़ा गड़बड़ करी है आई गेस हां पर मॉलिक्यूल जूल पर यस सर मॉलिक्यूल हां नेक्स्ट बताओ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला एवरेज वेलोसिटी सर अंडर रूट 2RT/m कंफ्यूज हो रहे हो तुम एवरेज वेलोसिटी 2RT/m में तो अल्फा नहीं था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी 8RT/pi अंडर रूट 8RT/m पाई हां यस सर तुम लोग फार्मूला क्यों गलत पढ़ रहे हो सब नेक्स्ट बताओ एक उसका थर्मो का थर्मो को बताओ वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस सर एन आर अपॉन गामा माइनस 1 टी 2 माइनस टी 1 व्हिच विल बी इक्वल टू पी 2 वी 2 माइनस पी 1 वी 1 अपॉन गामा माइनस गामा के अभी बोलो डिफरेंट मोनोटॉमिक और डायटॉमिक गैस के लिए सर गामा फॉर मोनोटॉमिक विल बी 5/3 और डायटॉमिक के लिए 7/5 सही करोनजन कितनी की है सर 40 तक करा है 40 तक किया है तो मेरे को बताओ ब्रोमो बेंजीन सुना दो 40 में ब्रोमो बेंजीन नहीं था क्लोरो बेंजीन था हाँ सर क्लोरो बेंजीन था सर CHCl3 Ag heat ethane red hot Fe tube से बेंजीन एंड Cl2 Fe ऐड कर देंगे तो क्लोरो बेंजीन अब मेरी बात सुनो अब मैं ब्रोमो बेंजीन बोलता हूँ तो मैं नहीं इसमें नहीं आएगा ब्रोमो बेंजीन के लिए क्या करूँ ब्रोमीन Br2 Fe ऐड कर देंगे तो ब्रोमो बेंजीन फिर अच्छा यस सर युविका ऐसे गलती तो मत बोलो ना मतलब ये चीज मत करो कि ये तो कराया नहीं है वो वही चीज है ना दोनों सेम है यस सर ठीक है मम्मी से बात करो वो यस सर मम्मी गुड आफ्टरनून मैम बेटर तो हेलो हां यस सर गुड आफ्टरनून मैम बेटर हो रही है पहले से लेकिन अभी भी ना जो घबराहट है और प्लस जो छोटी-छोटी चीजें है ना मैम वो अभी दिक्कत दे रही है अभी मैम क्योंकि मैं बैठने में हाँ सर कल मैंने इसको बोला नहीं कि ये जो बोलती है तो आई डोंट नो ये डरती क्यों है करके मतलब ये मैम हाँ बिल्कुल मैम ऐसा ना कि ये डर खत्म करना इसका सुन सुन के पूरा तो ये सुना रही है रोज अच्छी बात है कर रही है लेकिन मैम ऐसा ना कि इस चीज को अभी मैं ना मैं टफ नहीं पूछ रहा बच्चों से सिर्फ इनको कॉन्फिडेंस देना है एक बार कि एक बार ये फॉर्मुला रिवाइज कर ले उनके मीनिंग बोल ले जैसे फॉर्मुला में भी ना गलती गलत कर रहे हैं कुछ ना कुछ फॉर्मुला पढ़ते हैं तो उसमें कोई कोई चीज मिस कर देते हैं लोग तो थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा मैम बिल्कुल 24 घंटे साथ में रहना पड़ेगा इसके तब
तब जाके ये है सिद्धि है सब अच्छा कर लेंगे मैम, लेकिन हमने ध्यान देने वाला है बहुत ज्यादा पे, इसलिए मैम पेपर रह जाता है, नहीं तो 600 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है 720 में से। लेकिन बस वो है कि बहुत एक्यूरेटली पढ़ना पड़ेगा, जो भी कम पढ़ रहे ना वो एक्यूरेटली पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, मतलब किसी तरह से ना 35 से 40 के बीच में सही हो जाए क्वेश्चन। ओके सर, ओके। और ये सेम काम मैम फिजिक्स में कराना है इसको, गड़बड़ ना कर दे कहीं, ये मैम सुनने वाला काम ना जरूर करवा लो जिसके पास भी पढ़ रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चाहे बायो है फिजिक्स है कुछ भी है, सुनाने वाला काम ना जरूर करवाओ मैम। सर आप उसको बोलिए डरा ना करे, मैं तो उसको उस दिन ही बोली कि डरती क्यों है करके जो। मैं उसको मैम मैं वही 15-20 दिन में ना एक आध बार मैं अपने पास बुलाऊंगा ना मैम, तब जाके थोड़ा सा ये खत्म होगा, क्योंकि भी डर मैम मैक्सिमम सिद्धि का यही हाल था, सेम युविका का यही हाल है, डर के बढ़ेगी ना तो गलत बोल जाती है मैम फॉर्मूले। अभी जैसे फॉर्मूला सुनाया उसने, इसको इसको भी आता था फॉर्मूला और सिद्धि को भी आता था, दोनों ने कुछ ना कुछ गलती कर दी। लेकिन मैं ऐसा की ये चीज ना खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आते ही गलत करके आ जाएगी, करना नहीं है इसको, बोलना की बिल्कुल पेशेंस रखे एकदम, और नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, अपना 100% दो, पढ़ रही है मैम पूरी मेहनत कर रही है ढंग से, अपना 100% दे, होता नहीं होता बात की बात है मैम, अपना 100% दे, हर एक को यही बोलना सिर्फ। ठीक है सर, ओके सर, चलिए चलो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट, हाँ ये भी करने को भेज देना, कल का टेस्ट होगा, कल का टेस्ट होगा थर्मो रिपीट होगा, सर ना थर्मो रिपीट होगा एक बार, क्योंकि थर्मो में अभी भी दिक्कत आ रही है सबको, थर्मो रिपीट होगा और साथ में एक बार दोबारा लेंगे पी ब्लॉक को, थर्मो और पी ब्लॉक। युविका सही है, कन्वर्जन 1-2 कितने का है युविका? कन्वर्जन 1-40 हो चुकी है, अब आगे बढ़ाना है इसको सर 5-5 करके बढ़ा लीजिए सर, क्योंकि स्कूल के भी एग्जाम है ना, कुछ नहीं 1-45 कर देते हैं, सही है? ओके सर, हाँ मेरे को भेज देना एक बार, 1-45 कन्वर्जन है, पी ब्लॉक है और साथ में थर्मो रिपीट है, सही है? ओके सर, ओके मैं सेम करना मार्क्स इसके लिखना है, इसने क्या सुनाया है सोचने हुआ, इसका जूल पर कल में थोड़ा मॉलिक्यूल में गलती आई थी, और गलती कहाँ आई है, और क्या गलती की है इसने, और तो गलती नहीं किया, हाँ और गलती नहीं की सर, 10 में से 9 करना है। ओके सर, ओके कशिश, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, आगे पढ़ के रखना जरूर चैप्टर जो बोले।